हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास टेंथ के साइंस के चैप्टर के प्रकाश, अपवर्तन तथा परावर्तन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आज हम इस चौथे लेक्चर में प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के क्या नियम हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वास्तविक एवं आभासी गहराई के बीच संबंध, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, अपवर्तनांकों के बीच क्या संबंध होता है और अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि अपवर्तन होता क्या है। जैसा कि हम लोग परावर्तन में पढ़ चुके हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस आर एनी सरफेस इन द सेम मीडियम, यानी जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे कहते हैं परावर्तन। लेकिन जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसका पथ बदल जाता है, यानी अपने मार्ग से वह विचलित हो जाता है। विचलित होने से क्या तात्पर्य है, यहां पर एक वर्ड हम लोग जो यूज करते हैं अभिलंब, जो नॉर्मल रेखा खींची जाती है, तो या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यह कब होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे देखिए यहां पर यह प्रकाश की किरण ये ऐसे आ रही थी, लेकिन यह ग्लास है तो अब इसमें जो है जब प्रवेश की तो यह अभिलंब जो एन एन डैश है इसकी तरफ झुक गई, अब ये ऐसे हुआ। यानी इसका ओरिजिनल पाथ तो ऐसे था लेकिन यह अपने पाथ से क्या हुआ, डेविएट हो गया। अब इस किरण को आपतित किरण और इसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इस स्थिति में आई इज ग्रेटर देन आर, यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल में, तो इस स्थिति में वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अभिलंब से दूर हट जाती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम हो जाता है, यानी आर का मान यहां पर बढ़ जाता है, तो आई इज लेस देन आर हो गया। और तीसरी स्थिति है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही हो या विरल से सघन में जा रही हो और वह लंबवत अगर पड़ती है तो जब लंबवत पड़ेगी तो वह सीधे पार हो जाती है, वह अपने पथ से डेविएट नहीं होती है। अपवर्तन का कारण, अपवर्तन क्यों होता है, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी प्रकाश की जो चाल है वह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जल में इसकी चाल 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में इसकी चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, हीरे में इसकी चाल 1.24×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। तो अपवर्तन का कारण क्या होता है, भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में चाल का अलग अलग होना। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात नियत होता है, यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, जिसे 1 और 2 कहते हैं। मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो 1 और 2 को पढ़ते क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रेक्टिव
इंडेक्स। तो यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और एक दूसरा जो है सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से दिखाया जाता है और माध्यम में प्रकाश की चाल वी से, अपवर्तनांक को एन से, तो एन बराबर सी अपान वी। इसी प्रकार सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी 1n2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। किसी एक माध्यम में यानी किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम एवं पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे एक माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका n2 है, इसमें प्रकाश की चाल v1 है, इसमें v2 है, तो 1n2 इक्वल्स टू n2 अपान n1 इक्वल्स टू v1 अपान v2। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि n1 v1 बराबर n2 v2 और n into v क्या होता है? c प्रकाश की चाल होती है, जहां c निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो n into v इक्वल्स टू c यानी नियतांक हो गया। इसका मतलब हो गया कि अगर अपवर्तनांक बढ़ता है तो चाल घटेगी, अपवर्तनांक घटता है तो चाल बढ़ेगी। तो अपवर्तनांक जो है कम से कम 1 से बड़ा ही होता है, इसका मतलब कि किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में प्रकाश की चाल से कम ही होगी। कांच के आयताकार गुटके या स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है? मान लिया कि ए बी सी डी एक कांच का गुटका है और यह एक प्रकाश की किरण पी क्यू जो अभिलंब से आई कोण पर आपतित होती है और यह R से यानी जो कैपिटल R है इस बिंदु से यह S की तरफ निर्गत हो गई। तो यहां पर यह जो कोण बना I, यहां जो इसके बीच में कोण बना R, अब यह जो डॉट लाइन देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और यह Z बना रहा है, तो यहां पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये एंगल जो इसके बीच में बनेगा, इस एंगल का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा? इस एंगल का मान ये R हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो नॉर्मल खींचा गया है तो ये एंगल R हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो पॉइंट यहाँ पर इसके बीच में जो एंगल है वह I हो गया। ये जो निर्गत किरण है जो कोण बना रहा है वह E बना रहा है। तो अब इस तरह से इसके बीच में हम ये देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की और फिर उसी माध्यम में अगर वह निर्गत होती है तो उस स्थिति में आपतित किरण को अगर आगे की तरफ बढ़ा दें और निर्गत किरण को पीछे की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है। तो यह समानांतर होती हैं, यह कब संभव होगा? यह तब संभव होगा जब आपतित कोण का मान इसके निर्गत कोण के मान के बराबर होगा। तो यहां पर आपको यह प्रूफ करना होता है कि जो आपतन कोण का मान है वह यहां पर निर्गत कोण के मान के बराबर होगा। तो इसके लिए जो है यहां पर हम ये देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है वायु से और कांच में प्रवेश करती है, तो जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में वह विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन जब वह कांच की सतह को छोड़ती है, तो यह सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अगर हम यहां पर अब
क्यू बिंदु पर और आर बिंदु पर रिफ्रैक्शन को देखें स्नेल का नियम लगा करके, तो बिंदु क्यू पर 1n2 इक्वल्स टू n2 अपान n1 या साइन आई अपान साइन आर हो गया इक्वेशन नंबर 1। बिंदु आर पर 2n1 यानी n1 अपान n2 साइन आर अपान साइन ई हो गया। एक और दो से जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो n2 अपान n1 इंटू n1 अपान n2 इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन ई। साइन आर कट गया, n1 n1 कट गया, n2 n2 कट गया, इधर 1 बचा, तो साइन आई अपान साइन ई इक्वल्स टू 1 मिला। तो साइन आई इक्वल्स टू साइन ई ये मिल गया। तो यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि आई का मान जो है ई के मान के बराबर है, आई का मान ई के मान के बराबर, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण का मान आपस में बराबर है। तो वही कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए तो दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। वास्तविक एवं आभासी गहराई, वास्तविक और आभासी गहराई से क्या तात्पर्य है? जैसे आप पानी के अंदर सपोज कर लीजिए कि आपने जो है ग्लास में एक पानी भर लिया और उसके बॉटम में एक सिक्का डाल दिया, तो आप क्या देखते हैं कि वह सिक्का जो है कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब कि वह आभासी गहराई है। तो जब किसी द्रव भरे बर्तन के पेदे में रखी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, अर्थात अगर h गहराई पर स्थित वस्तु है और उसकी आभासी गहराई h प्रतीत होती है, मतलब थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे इस फिगर में देखे O पर रखा गया है, लेकिन जब हम देखते हैं तो यह O पर जो रखी गई वस्तु है हमको I पर दिखाई देती है। तो द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANL, L स्टैंड फॉर लिक्विड, तो साइन R अपान साइन I, क्योंकि यहां पर प्रकाश की किरण O से चल करके और A पर आती है। यह सघन माध्यम है, सघन माध्यम से फिर यह विरल माध्यम में जाती है, तो जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब अभिलंब से दूर हटेगी तो इसको डॉट डॉट पीछे की तरफ मिलाएंगे, जहां पर मिलेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यह कोण हो गया आई, ये आपतन कोण हो गया, तो ये आपतन कोण आई हो गया और ये आर हो गया। अब ज्योमेट्री से ये आर इसके बराबर हो गया और ये आई इसके बराबर हो गया। ये आई से सी तक की जो दूरी है वह एच है, सी से ओ तक की जो दूरी पूरी बर्तन की गहराई जिसमें पानी भरा हुआ है वो कैपिटल एच है। इसका अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक n2 है। तो इस तरह से जो स्नेल का नियम है n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर होता, तो n1 अपान n2 इक्वल्स टू साइन आर अपान साइन n1 अपान n2, यहां वैल्यू देखिए अगर n1 अपान n2 इक्वल्स टू साइन आर अपान साइन आई, ये वैल्यू होती है। तो अब जो है यह ANL के बराबर हो गया, तो ANL बराबर साइन आर अपान साइन आई। साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए आप देखेंगे आर संपूर्ण त्रिभुज ACI में, तो साइन आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा AC बटा AI, और इसी तरह से साइन आई इक्वल्स टू AC बटा ये AO। अब इसमें से AC कैंसिल हो जाएगा, OA ऊपर चला जाएगा, तो OA अपान आई ए हो जाएगा। लेकिन जो पॉइंट A है वह C के क्लोज है, तो इसका मतलब है कि OA को OC और IA को IC लिख सकते हैं। तो अगर OA को OC लिखेंगे तो कैपिटल H हो जाएगा और IA को IC लिखेंगे तो स्मॉल H हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं तो OA अपान IA से OC अपान IC हो गया, OC कैपिटल H है और ये स्मॉल H, तो ये वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यहां पर मिल गया वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी स्मॉल n की वैल्यू हो गई कैपिटल H अपान स्मॉल H। अब वस्तु जो है वस्तु की स्थिति में जो विस्थापन हुआ यानी कितना ऊपर वह उठ गया, तो कितना ऊपर उठ गया अगर आप इसको देखें फिगर से,
तो ये यहां से यहां चला आया, तो इसका मतलब कितना उठ गया, ये टोटल गहराई है कैपिटल एच और ये गहराई है स्मॉल एच, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच दूरी उठ गया हुआ। तो ये देखिए कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच अपान स्मॉल एन हो जाएगा यहां से, तो इस तरह से कैपिटल एच को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 1 अपान एन। तो वस्तु की स्थिति में जो विस्थापन है एक्स बराबर एच टाइम्स, यानी जो उसकी गहराई थी एच टाइम्स 1 माइनस 1 अपान एन। अब इसी तरह से अगर किसी बर्तन में कई प्रकार के द्रव भरे गए हों जिनके अपवर्तनांक n1 n2 हो और उनकी ऊंचाइयां h1 h2 h3 हो, तो वस्तु की जो आभासी गहराई होगी सबके अलग अलग जो विस्थापन में अंतर हुआ उसके योग के बराबर होगी। तो स्मॉल h का मान कैपिटल h1 अपान n प्लस h2 अपान n, अगर इनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं तो जब अपवर्तनांक अलग अलग हैं तो अपान n1 n2 n3 और इस तरह से इसकी वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रमणीयता से क्या तात्पर्य है, यदि प्रकाश की किरण अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों के पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो वह अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है, यानी जिस पथ से वह गई थी उसी पथ से वापस आती है। अगर ऐसा होता है तो इसे प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे इस फिगर में देखें कि मीडियम वन में प्रकाश की किरण ए ओ पर आपतित हुई और फिर ये यहां से अपवर्तित होने के बाद यह बी पर टकरा करके और फिर यहां से लौटी और लौटने के पश्चात फिर उसी पथ से वह वापस आ गई। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है 1n2 साइन आई अपान साइन आर, और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का 2n1 साइन आर अपान साइन आई, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई, ये कट करके 1 हो गया। तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल्स टू 1, यानी 2n1 इक्वल्स टू 1 अपान 1n2। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हुआ। इसी तरह से अगर ए एन जी है तो ये हो जाता है 1 अपान जी एन ए। अगर कई अपवर्तनांक है तो उनके बीच क्या संबंध होता है, तो जैसे यहां पर हम लोगों को कम से कम 3 के बारे में पढ़ना है, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि ये वायु है, ये द्रव है, ये कांच है और फिर वायु में निकल रहा है। तो यहां ए बी जो किरण है आई कोण बनाया, यहां पर आर है, तो जब ये आर होगा तो ये भी आर हो जाएगा, यहां पर फिर यह प्रकाश की किरण ये आर डैश जो अपवर्तित कोण है तो यह आर डैश होगा तो ये भी आर डैश हो जाएगा और यहां पर आई कोण से यह निर्गत हो रही है, क्योंकि जिस माध्यम से प्रवेश की है उसी माध्यम में निर्गत हो रही है। तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस बी पर क्या होगा, बी पर होगा ए एन एल इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर। सी पर क्या होगा, अब देखिए कहां से कहां जा रहा है, लिक्विड से ग्लास में जा रहा है, तो एल एन जी होगा, एल एन जी इक्वल्स टू साइन आर डैश अपान साइन आर। इसी तरह से अब कांच से कहां जा रहा है, कांच से जा रहा है एयर में, तो जी एन ए इक्वल्स टू साइन आर डैश अपान साइन आई, ये हो गया। तो इस तरह से अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखते हैं कि इधर की वैल्यू जो है ये कट जाती है और ये मिलता है हमें 1। तो एल एन जी यहां पे मिला ए एन एल इंटू एल एन जी इंटू जी एन ए इक्वल्स टू 1, या एल एन जी इक्वल्स टू 1 अपान ए एन एल इंटू जी एन ए, और 1 अपान जी एन ए अभी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हमने पढ़ा कि 1 अपान जी एन ए जो है ए एन जी होता है, तो ये हो गया ए एन जी अपान ए एन एल। तो एल एन जी इक्वल्स टू ए एन जी अपान ए एन एल, यानी यदि द्रव जल हो तो उस केस में एल के जगह पे वाटर हम यूज करेंगे तो डब्ल्यू हो गया, तो डब्ल्यू एन जी इक्वल्स टू ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू, और कुछ आंकिक प्रश्नों में इसका प्रयोग किया जाएगा। अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता, अपवर्तनांक है वह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश स्रोत का गुण होता है, अतः अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है।
परंतु तरंग दैर्ध्य और उसकी चाल बदल जाती है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी बराबर न्यू लैम्डा होती है, न्यू आवृत्ति है, जहां न्यू आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो 1N2 = N2/N1 यानी V1/V2, तो ये न्यू लैम्डा 1/N2 = λ1/λ2। तो अगर हम लैम्डा किसी माध्यम में बात करें तो ये लैम्डा अपान एन हो जाता है। जैसे अगर यहां पर ये एन हो गया तो एन इक्वल्स टू लैम्डा 1/λ2, तो लैम्डा 2 = λ1/N। यानी किसी माध्यम में प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वह आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का 1/N यानी उसके अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो 1/N टाइम्स होता है, 1/N टाइम्स होता है। जैसे मान लीजिए कि वायु में कोई आपतित प्रकाश आ रही थी और उसकी तरंग दैर्ध्य जो है, उसकी तरंग दैर्ध्य 6000 अंगस्ट्रॉम है। तो अगर वह जो है कांच पर, कांच में अगर प्रवेश करती है, तो कांच में प्रवेश करती है तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 3/2 होता है। तो 3/2 होता है तो इसका मतलब है कि कांच में उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? तो 6000/3/2, तो 6×12/3 यानी 4000 अंगस्ट्रॉम हो जाएगी, अर्थात घट जाएगी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्भर करती है। इस रूल को कॉची रूल पढ़ते हैं, CAUCHY, कॉची रूल। तो एन बराबर ए प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपान लैम्डा पावर 4, और इस तरह से होता है जहां पर ए और बी नियतांक होता है। अब इसमें अभ्यास के अंदर ये 5 या 6 क्वेश्चंस हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो इसको समझिए कि प्रकाश की किरण जल में तिरछी पड़ती है, जैसे ये जल है इसमें तिरछी पड़ती है, तो जब तिरछी पड़ती है तो यह वायु से पड़ रही है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जब सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो हाँ, आंसर होगा हमारा हाँ, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है 3×10⁸ m/s। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले उस क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी गई है उसे नोट करिए और जो ज्ञात करना है उसे नोट करिए। तो दिया गया कांच का अपवर्तनांक 1.5, प्रकाश की चाल 3×10⁸ m/s। क्या निकालना है? प्रकाश की चाल माध्यम में भी, तो n बराबर होता है C/V, तो V = हो गया C/N, C 3×10⁸ और ये 1.5। तो अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 15×2 = 2 आ जाएगा, 2×10⁸ m/s। यहां पर एक सारणी दी गई है जो सारणी नंबर 10.3 है। इस सारणी में अलग अलग द्रव्यात्मक माध्यम के अपवर्तनांक दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसका। तो इस सारणी में अगर हम देखें तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो यह सबसे अधिक घनत्व प्रकाशीय घनत्व वाला होगा, और वायु का सबसे कम है 1.003, तो इसका मतलब वायु जो है यह न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम होगा। इसी पर अगला क्वेश्चन है कि आपको किरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिया गया है, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो अगर आप सारणी से देखें तो किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन के तेल का 1.47, जल का 1.33। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ m/s। माध्यम में अपवर्तनांक n बराबर C/V होता है, तो V बराबर हो गया C/N। C सबके लिए नियत है, तो n का मान, n जो है क्या है, अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक का मान जितना ही अधिक होगा V का मान उतना ही कम होगा, तो n का मान जितना कम होगा V का मान उतना अधिक होगा।
तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कि जल में इसका अपवर्तनांक 1.33 है, बाकी दोनों से कम है, अर्थात जल में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, मतलब इससे आप क्या समझते हैं? तो हीरे का अपवर्तनांक n बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2.42। तो इसका मतलब हो गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 गुना होता है।